नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। जम्मू शहर में आज जहां कोरोना वायरस से संक्रमितों के दो मामले सामने आए, वहीं कठुआ में तीन और सामा में एक दंपत्ति को इस महामारी ने अपनी चपेट में लिया है। ये दंपत्ति हवाई मार्ग से जम्मू पहुंचा था और जांच के दौरान दोनों मियां बीवी पॉजिटिव पाए गए। जम्मू के बेलीचौरा इलाके के अधीन आने वाली डोडा बस्ती में एक 20 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई और इस बीच जम्मू शहर के तीन इलाकों को एहतियातन सील कर दिया गया है। जम्मू की सबसे बड़ी दो थोक मंडियां यानी वेयर हाउस और कनक मंडी को भी सील कर दिया गया है और इसके अलावा आंफला स्थित जम्मू कश्मीर बैंक में कार्यरत एक मुलाजिम के बेटे में कोरोना वायरस की पुष्टि होने पर इस बैंक की इस ब्रांच को भी सील कर दिया गया है। दरअसल वेयर हाउस और कनक मंडी में श्रमिक का काम करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर फरार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस प्रशासन ने रविवार को ही बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया था। इस श्रमिक को रविवार देर रात जम्मू के पहाड़ी मोहल्ला इलाके से दबोचकर आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया। यही वजह है कि कनक मंडी और वेयर हाउस के व्यापारियों ने फिलहाल अपने अपने कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है और प्रशासन भी इस श्रमिक के साथ संपर्क में आए लोगों की निशानदेही कर रहा है। दूसरी ओर आंफला स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में भी एक मुलाजिम का बेटा कोरोना महामारी से पीड़ित पाया गया। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस ब्रांच को भी सील कर दिया गया। तरफ से लोगों को यही इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी एसओपी की गाइडलाइंस हैं उसका पूरा पालन करें, बिना ऐसे जो घूमते हैं बिना मास्क के या मास्क पहन के रखें, और जो डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसेस का मेन जो ध्यान रखना है उसका ध्यान, क्योंकि ये ज़्यादा काफ़ी क्राउडेड एरिया था तो इसको भी अभी हमने सारा सैनिटाइज करवा दिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करके इस इलाके को पूरा साफ सफाई का ध्यान रखे, और लोगों को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे बिना मतलब के मत घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का ख्याल रखें। वेयर हाउस में आज एसोसिएशन की तरफ से जो एक केस पॉजिटिव निकला है एक पांडी का, वो बेसिकली यहाँ पर काम करता था और वो कानक मंडी में उसकी रिहाइश थी, तो वो चौकी चौरा का रहने वाला था। तो जब उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद जो है एसोसिएशन वालों ने वेयर हाउस को आज के दिन के लिए बंद रखा है कि ताकि बाकी वाला जो इसको सैनिटाइज किया जा सके, लॉकडाउन का वो पालन किया जा रहा है हर तरफ से। हमने ये आप देख रहे हैं कि मार्केट पूरी बंद है जी, पूरी हमारी पुलिस जो कि जो है वो हर जगह नाके लगाए जो चेकिंग कर रही है, किसी जगह पे भी आज जो है वो कोई दुकान वगैरह जो है खुली नहीं है। ये खुला हुआ लॉकडाउन हुआ जब से, तब से ये बेरोज खुला हुआ है, क्योंकि जहाँ पे कोई भी पाबंदी इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस तो बहुत करती थी अपनी तरफ से, क्योंकि पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक लोगों को समझाने में लगाया, लेकिन लोग थे कि आपस में की बात मानते नहीं थे। बात यह है कि आज 4-5 दिन ये आदमी पहले घर गया हुआ था, जिसको ये कोरोना पॉजिटिव आया ना, ये 2-4 पहले घर गया था, कोई 15-20 दिन से ये यहाँ पे गया हुआ था, तो बोलता कि 2 महीने के बाद ये आया घर, कोई 5-7 दिन हो गए इसने यहाँ पे आए हुए। बात ये है कि जहाँ पे जब प्रधान जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं बेरोज फेडरेशन के दीपक गुप्ता जी, उन्होंने बहुत किया, उन्होंने ये भी किया था कि लेबर के लिए जो सैनिटाइजिंग मशीनें लगाई जाएँ, उन्होंने ऊपर भी म्यूनसिपैलिटी वालों को बोला था। उसके बाद जब सैनिटाइजिंग मशीनें लगाई गई तो वो 4-5 दिन चली, क्योंकि एक मशीन लगी है नेहरू मार्केट, दूसरी बेरोस के गेट में, तीसरी जहाँ पे लगी है हमारे पास ही लगी है, एक ये लगी है अमर उजाला के पास। इसके होने की सैनिटाइजर मशीन लगाने के बावजूद भी इनका लॉकडाउन का बदला स्वरूप यानी अनलॉक 1 आज से शुरू हो गया है। बारिश के कारण आज हालांकि पहले दिन सुबह सवेरे बाजारों में रौनक नहीं देखी गई, अलबत्ता बारिश रुकने के साथ ही पुराने शहर में रहने वाले लोग घरों से निकले और अपनी अपनी ज़रूरत के सामान की खरीदारी की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से जम्मू के आसपास के इलाकों के ग्राहक खरीदारी के लिए नहीं पहुँच पा रहे हैं और यही कारण है कि दुकानदारों को मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। सरकार ने अनलॉक 1 में लोगों के लिए कुछ और रियायतों का पिटारा खोल दिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क पहनने से कोई समझौता नहीं किए जाने की बात यहां कही गई है। ये रियायतें 8 जून से वजूद में आ भी रही हैं। जरा भी करो परचेजिंग करने आए ओ अपने आप नो
जम्मू के आसपास के इलाकों में आज मौसम बेहद खुशगवार हो गया। बारिश के रिमझिम फुहारों से पिछले कुछ दिनों से तपती गर्मी में झुलस रहे लोगों ने राहत की सांस ली। रविवार रात से ही आसमान पर काले बादल घिरे आए थे और आज सुबह देखते ही देखते हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने देखते ही देखते जोर भी पकड़ लिया। मौसम में ठंडक का एहसास मिलते ही लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इस मौसम का खूब लुत्फ भी उठाया। कोरोना महामारी के इस दौर में बैंड बाजा बारात का सिलसिला बंद है और इसके साथ ही अपनी धुनों पर लोगों को नचाने वाले बैंड बाजे वाले की रोजी रोटी का भी बैंड बज कर रह गया है। इन लोगों के मुताबिक कोरोना काल में शादी विवाह समारोह न होने के कारण वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा सरकार उनकी हालत पर भी ध्यान दे। हूँ वो वजह की है कि वह सारे ही परेशानी आ रही कि कोरोना वायरस जो आए जी महामारी आई है, मगर वो कारण साढ़ा बैंड का काम बिल्कुल ठप्प हो चुका है। साढ़े जोड़े कारीगर ने साढ़े जोड़े वर्कर ने घोड़िया वाले ने जोड़े रोज़ खर्चा होवा है बड़ी परेशानी है। इस वास्ते यदि मीटिंग का मतलब ये रखा कि जोड़े साढ़े गवर्नर साहब ने मुरम साहब और साड़ी मैडम साहब है जी डी सी साहब उनके अगर प्रार्थना है कि साढ़े बारे भी गरीबे बारे भी सोचा जा कि असें कियां कियां अपना टाइम कढ़ना है, कियां कियां असें अपने बच्चे पढ़ाइयां बच्चे रुटी पानी का खर्चा बड़ा मुश्किल हुआ। हमारे पास अप्रैल महीने की बुकिंग थी वो भी सब कैंसिल हो गई हैं, लोगों ने कैंसिल करा दी हैं और आने वाले टाइम में भी बुकिंगें हो नहीं रही हैं। जिसको भी मतलब कि बुकिंग करानी होती थी वो यही सीज़न हमारा होता था बुकिंग करने का भी, और एडवांस वगैरह जो हमारे पास आता था वो उसी से हम अपने कारीगरों को घोड़ी वालों को सबको एडवांस देते थे, मगर ये सब कुछ बंद हो चुका है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो गवर्नर साहब हैं हमारे बारे में कुछ सोचा जाए ताकि हमारे को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। हम गवर्नर साहब को ये बोलना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, हम 3 महीने से बेरोजगार हो चुके हैं, हमारा ये सीजनेबल वर्क होता है और अब हमारा काम चल रहा था सीजन था पर हम अभी बिल्कुल फ्री हैं, बेले बैठे हुए हैं, हमारा कोई काम नहीं चल रहा है महामारी की वजह से। हम गवर्नर साहब को यही प्रार्थना करते हैं और मैडम सुषमा जी को हम यही मैसेज देते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ आर्थिक मदद हमारी की जाए, हम बहुत ही बेरोजगार हो चुके हैं, हमारे बच्चे और सब कुछ बेले ही बैठे हुए हैं। वहीं थाना मंडी में ट्रांसपोर्टरों ने और उनके चालकों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इन लोगों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सरकार ने हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ राहत दी, लेकिन ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आलम यह है कि वो भुखमरी का और फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं। सब ये जो खड़े हैं गाड़ियों वाले हैं सर, हमारी गाड़ियाँ पिछले 3 महीने से खड़ी हैं, हम गाड़ियाँ चलाकर अपना बाल बच्चा पालते थे और 3 महीने से कोई जेब में खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार ने सबके अकाउंट में पैसे डाले, गैस वालों को, दूसरों को, तीसरों को, ड्राइवरों के बारे में कुछ नहीं सोचा है। हम जो हमें और कोई कारोबार आता नहीं है ना ही कोई करता है तो हम लोग कहाँ जाएँ, हमारी गाड़ियाँ 3 महीने से खड़ी हैं, जेब से किस्तें देंगे तो किस्तों का भी कुछ नहीं हो रहा, बाल बच्चा जो जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम कहाँ जाएँ, हमारे बारे में तो सोचना चाहिए ना, हम लोग कहाँ जाएँ। हमारी गाड़ियों के बारे में जो नई गाड़ियाँ जारी हुई है उसमें भी उनका कोई जिक्र नहीं आया, जो लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है उसमें भी उनका कोई जिक्र नहीं आया, हमने देखा कि गाड़ियों के बारे में किसी ने कोई गाइडलाइन जो नहीं है वो जारी नहीं की। वहीं आरसपुरा के गांव इस्लाम चक के दिहाड़ीदार मजदूरों ने सरकार से मनरेगा योजना के तहत उन्हें रोजगार देने की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में इस योजना के तहत गरीब लोगों को काम दिया जा रहा है लेकिन उन्हें इस योजना के तहत कोई काम यहां पर नहीं मिल रहा। इन लोगों के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग ने 3 वर्ष पूर्व उनके जॉब कार्ड तो बनवाए थे लेकिन आज तक उन्हें कोई काम मुहैया नहीं किया। हिंदुस्तान के हर कोने काम चल रहा है, सानू भी मोदी सरकार की तरफ कोई काम दिता जाए, सानू ये कार्ड फड़ाए ही अज तो 4-5 साल पहले ना इन्हों ऑनलाइन किया ना सानू काम मिल रहा, साढ़े भी छोटे छोटे बच्चे ने, अं कहने कि सानू भी दिहाड़ी दप्पा दिता जाए थोड़ा बहुता,
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। देश भर के अन्य केंद्रीय शासित प्रदेशों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली के निजीकरण के मसौदे के विरोध में आज प्रदर्शन किया। जम्मू में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जयपाल शर्मा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से जहां बिजली विभाग के कर्मचारी प्रभावित होंगे, वहीं आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। के अगेंस्ट आज इकट्ठे हुए हैं और वन डे प्रोटेस्ट करने के लिए आज सभी इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये मांग की है सरकार से कि जैसे पिछली बार आपने हमें धोखे में रख के अनबंडलिंग ऑफ द डिपार्टमेंट किया था, उसी तरह आपने उस वक्त हमें आश्वासन दिया था कि आपको हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन अभी 4-5 महीने अनबंडलिंग ऑफ द डिपार्टमेंट भी नहीं हुआ, आपने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया है डिपार्टमेंट को। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान तो पहले आम उपभोक्ता को होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट पावर डेवलपमेंट जो है वो सभी उपभोक्ता को लगभग 2.5 रुपये पर यूनिट के करीब भी दे रहा है। यही यूनिट अब जो प्राइवेटाइज हो जाएगी जब ये हमारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो ये आम पब्लिक को 7-8 रुपये से ज़्यादा ही कास्टली मिलेगा। और बड़ी बात यह कि जहाँ तक हमारे मुलाजमों की बात है, क्योंकि ना तो इन्होंने अगर प्राइवेटाइज कर दिया लोकल कंट्रैक्टर आ जाएंगे, हमारे डेली वेजर भाई, हमारे नीड बेसिस भाई, ये उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे। धान के बीज की गुणवत्ता पर सवाल या निशान लगाते हुए जम्मू के मठ ब्लॉक की पंचायत पंजोड के किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग की लापरवाही से उनकी मेहनत के साथ साथ धान की फसल पर भी पानी फिर गया है। इन लोगों के मुताबिक कृषि विभाग द्वारा मुहैया करवाया गया बीज घटिया क्वालिटी का और पुराना था, जो खेतों में उग ही नहीं पाया। वो कई बार कृषि विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। बीज लेता ने दिता बासमती था सानू, तो बीज जमया गया जल्द इनके कोला कंप्लेन लिए जन्ने, ये आते ट्रैक्टर जाओ उत्थे जाओ ये करो वो करो, जरा इतों का बड़ा कोई अफसर है। सर दिक्कत अही है कि असें बासमती का बीज लिया 370 इंद्र कोलू लिया, तो इन्हें बीज दिता सानू पुराना, जल्द अं खेतर रहा तो बीज साड़ा नहीं जमया, नहीं जमने के बाद असें सरपंच साहब होरें दस्या अड़ी खेतर मैं देखो, इन्हें 2-3 बार कंप्लेन की होनी, कंप्लेन करने के बाद कोई नहीं आया, कहते आज उत्थे जाओ कदे आज उत्थे जाओ कदे उत्थे जाओ, हूँ खेतर साढ़े खेड़े गए उठन, तो दसो अं हूँ किं मुंजी लानी, तो कुत्थू रोटी खानी अहें। प्रधानमंत्री और तो उतू बोलते हैं भाई जिमीदारी बड़ा फायदा दिता, अगर जो चोर बैठे थे ये सू फायदा की नहीं दें, अस लोग बड़े दुखी हो गए ना, साढ़े खेतर देखो आनी है पनीरियाँ देखो असें लानियाँ कुत्थू लगू, हूँ तो कुत्थू रुट्टी देनी है टब्बरा ही, साढ़े कड़ी बेइंसाफी की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। अस महकमे वालों बी आता 370 बासमती का जोड़ा कि असें लाना, महाराज असें पुराना बीज दिता साढ़े खेतर बिल्कुल बीज जमया नहीं है, असें कुछ ही रोना हूँ कुत्थू रुट्टी खानी है, साल भर हूँ नहीं साढ़ा टाइम रहा, मेई कत्ती हुई है कुत्थू बीज आना और कुत्थू लाना, असें अस साढ़ा साल पूरा मरी है, अस ना अगे जोड़े नहीं ना पिछले जोड़े, 4-4, 5-5 घुमा जी मुंजी लानी है कुत्थू लानी है, साढ़ा टब्बर केह खा रुट्टी कुत्थू आओ, असें कुत्थे जागे, अस बीज लिया वो जल्द बीज आने खेत बीजा तो बीज बिल्कुल इं धूड़ा बीज बिल्कुल जो हो रहा है, इन्हें गरगाश की जाए भाई बीज खराब है, यार जाओ जाओ यार उठा डीसी जाओ फलाने को जाओ डायरेक्टर को जाओ जाओ सुना जाइए, असें कोई पता नहीं कनेह बीज भेजना दे दिए तुम्हें, हूँ दसो जनाब असें क्या करना है कुधर जाना है, खेत सारे खेड़े न अगर हूँ टाइम ढुकी है मुंजी का मुंजी लानी है जो कहीं घर फिरना है कौन जाके बीज लेना है, असें गौरमेंट पनीरी नहीं भेजनी, हूँ पनीर सप्प नहीं राज होनी है, इस गल गरीब मारे गया सारा कोई इंतजाम नहीं। टाली मोड़ को कोटली मियां फतेह से जोड़ने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर पीपल्स सेकुलर फोरम के बैनर तले लोगों ने टाली मोड़ इलाके में प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि इस मार्ग पर कई सरकारी कार्यालय होने के बावजूद भी इसकी मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो पिछले कई वर्षों से इसकी मरम्मत को लेकर PWD सहित स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही PWD ने इस सड़क की मरम्मत ना करवाई तो वो बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। सेरिकल्चर सेंट्रल सेरिकल्चर और वीडियो ब्लॉक उसके साथ ही जो PDD डिपार्टमेंट
जो सभी इस रोड पे लगते हैं और काफ़ी लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन का और जो ऑफिशियल साहबान हैं जो इस ब्लॉक के, उनका आना जाना इस रोड पर रहता है। लेकिन ये रोड जो है आज दिन तक हमने कई बार फॉर्म की तरफ से हाई अथॉरिटीज़ को गुहार लगाई, लेकिन आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। और उसके लिए हम आज सड़कों पे उतरे हैं ये प्रदर्शन के तौर पर, इसलिए कि ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से फिर गुहार लगा रहे हैं कि ये इस रोड को ठीक किया जाए। अगर इस रोड को ठीक ना किया गया तो पीपल्स सेक्युलर फोरम की तरफ से और हम सब लोगों की, यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, हम एक बहुत बड़ा एक कोरोना महामारी ने बड़े बड़ों की आर्थिक हालत खराब करके रख दी है। ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ कमाकर अपना पेट भरने वाले रेड़ी फड़ी वालों का क्या हाल होगा। दाने दाने के मोहताज इन लोगों ने अब सरकार से मदद की यहां गुहार लगाई है। यह नज़ारा है जम्मू के जनरल बस स्टैंड का, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन के पहले ये जगह लोगों से खचाखच भरी रहती थी, लेकिन अब यहां सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं है। इस खामोशी के पीछे कितना दर्द छिपा है शायद ही कोई जानता हो। लॉकडाउन की मार से पीड़ित ये रेहड़ी फड़ी वाले आज आर्थिक तंगी के दर्द से दो चार हो रहे हैं। ना तो सरकार और ना ही कोई गैर सरकारी संस्था इनकी मदद के लिए आगे आ रही है। ये लोग इस कदर बेबस हैं कि जब इनके बच्चे इनसे रोटी मांगते हैं तो ये मजबूर लोग उन्हें आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं दे पाते। ये 40 साल यहाँ पर हो गया, 40 साल से मैं रेड़ी लगा कर अपने बाल बच्चे को गुजारा कर रहा हूँ। जनाब मेरा छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई भी बंद हो गया है, बच्चे घर में रोटी के लिए रो रहा है। तीन महीने से हम लोग बेले बैठे हुए हैं, कोई काम धाम तो है ही नहीं। साहब गवर्नमेंट हमको नौकरी नहीं दिया, कुछ भी दिया नहीं है। पढ़ लिखा उसे फेरी पर काम करता हूँ, रेड़ी लगाता हूँ, रेड़ी लगा बच्चे को पाल पर पोषण करता हूँ। 40 बरस से मेरे परेशान काम करके हुए बच्चे को पाल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं गुजरा नहीं हो रहा। अब तीन महीने से और बुरा हाल कर दिया है साहब जनाब की, मैं बच्चे मेरा रोटी की तरफ रही है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँ। सब जहाँ महामारी कम से कम रेड़ी फरी वाले को टाइम दीजिए, उनका फैसिलिटी दीजिए कि अपना बेचारा किसी तरह गुजारा बजारा करके रोटी गुजर टाइम पास कर सके। वो भी मुश्किल है साहब जनाब। हम लोग को यही टेंशन है साहब कि दिन रात बैठे हुए रहते हैं, रोते रहते हैं, बच्चे तंग करते रहता है रोटी के लिए, कपड़े के लिए, फलने के लिए, मैं कहाँ से लाऊं। मजबूर और बेबस इन लोगों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक जिस तरह सरकार अन्य वर्गों की मदद कर रही है, उसी तरह उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए ताकि वो भी जीवन की गाड़ी को आगे हांक सकें। अचानक फड़ी लगाते हैं तो मतलब 2-2.5 महीने हो गए, मतलब बिल्कुल काम बंद पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई रौनक नहीं है। तो मतलब कि जब पूरे शहर में रेड़ी फड़ी जो बंद पड़ी है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मतलब इनको रिहा दी जाए। और मतलब इनके पास इतना इंश्योरेंस नहीं है कि मतलब जो हमको कुछ दे सकें, ये कमाई अपने जहाँ बैठ के कुछ मतलब कमाई कर सकें। कोई काम है नहीं, कोई धंधा है नहीं, हम यही चाहते हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट हमारी कोई मदद करे। उधर जनरल बस स्टैंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान रमेश ताक ने भी सरकार से इन लोगों को रेहड़ी फड़ी लगाने की अनुमति देने के साथ साथ आर्थिक मदद करने की भी मांग की है। ये रोजमर्रा की कमाई करते हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, और मेरे ख्याल से 2.5 महीने से जो पंडित बैठे हुए हैं, और इधर हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अब जो हो सकता है भीख मांगने पर भी इनकी बारी आ गई है। मगर मैं गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहूँगा कि इस और भी ध्यान दिए जाए और इनको खोलने की इजाज़त दी जाए, और जो छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, टेम्पो ट्रैवल हैं, जो भी हैं, इनको चलने की इजाज़त दिए ताकि लोग आवाजाही, लोगों की आवाजाही होए और उसमें लोगों का आना जाना शुरू होगा और इनका कारोबार भी चलेगा, और ये लोग भी कारोबार कर सकेंगे और अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा जो भी है रोटी पानी का खर्चा बनाएंगे। सरकार ने अगर जल्द ही इन लोगों की मदद ना की तो वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेहनत करने वाले शख्स को भिखारी बनाने का श्रेय सरकार को जाएगा। कैमरामैन अश्विनी सभरवाल के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।
जम्मू के जीएमसी अस्पताल में इलाज करवा रहे आर्थिक तौर पर कमजोर कैंसर के मरीजों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इन मरीजों के मुताबिक माली हालत खराब होने के कारण वह इस घातक बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे, इसलिए अब वो सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी भी इस वक्त मदद की जाए, क्योंकि वो इस वक्त सक्षम नहीं है कि अपना इलाज अस्पताल में करवा सकें। चलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अस्पताल में जो कैंसर से जो यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं उन मरीजों ने अब कहीं ना कहीं जब वो देख रहे हैं कि हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं, उनके पास उस पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है, दवाइयाँ वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने अब सरकार से इस वक्त गुहार लगाई है कि हमें यहाँ पर जो सुविधाओं की कमी हो रही है, हमारे पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं, हम प्राप्त तरीके से दवाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए सरकार की तरफ से कोई मदद हमारे लिए की जाए, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर गुहार लगाई है। यहाँ पर उन मरीजों के दीवानदार भी मौजूद हैं जो सरकार से यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद किसी ना किसी तरीके से की जाए, क्योंकि यहाँ पर उनके मदद करने वाला कोई आगे निकल कर सामने नहीं आ रहा। क्या मैसेज देना चाहें सर, यही क्या गरीब बंदे कोई हेल्प हो, कोई भी गवर्नमेंट करे कुछ तो है नहीं, और हम किसको क्या बोल सकते हैं, कौन हमारे सुने। गरीब बंदे दूर दराज पहाड़ी एरिया में रहने वाले हैं, और साथ में एमरजेंसी में हमारे मकान भी जला दिए, भाई भी मार दिए, डैडी की भी डेथ हो गई। अभी जो ये हम इलाज दिखा रहे हैं सर, ये काफ़ी बड़ा इलाज है, ये तो बता रहे हैं कि कैंसर की बीमारी हो गई है। छुट्टी भी नहीं मिली महकमे की तरफ से काफ़ी देर तक, ऊपर से लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से बढ़ता गया काम, तो अभी इधर से रेफर भी कर दिया चंडीगढ़ के लिए, अभी आज किया, और यहाँ पे थिएटर बंद है, यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से सर अभी तक तो सुविधा कुछ नहीं मिली। क्या मैसेज देना चाहें सर, यही क्या गरीब बंदे कोई हेल्प हो, कोई भी गवर्नमेंट करे कुछ तो है नहीं, और हम किसको क्या बोल सकते हैं, कौन हमारे सुने। ला रहे हैं पर डे का सर 4,000 4,500 के करीब हो रहा है। ये बाहर से ला रहे हैं सर, बाहर से अपने पर आए हैं जो वो हेल्प कर रहे हैं ऐसा वगैरह। चलिए खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, आप बन रहे हमारे साथ देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।